पत्नी का पीछा कर उसे जान से मारने के प्रयास करने वाले पति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले की अधिक जांच में बजाज नगर पुलिस जुटी है। जानकारी के अनुसार बजाज नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत लक्ष्मी नगर झोपड़पट्टी निवासी फरियादी ईशिका विलास उइके और आरोपी सूर्यकांत दुरसिंह शाहू दोनों पति पत्नी है और दोनों पिछले कुछ महीनों से अलग अलग रहते हैं। बताया जाता है कि ईशिका एक होटल में काम करती है। हर दिन की तरह वह अपनी सहेली के साथ होटल से निकलकर पैदल जा रही थी। इस दौरान बजाज नगर पुलिस स्टेशन परिसर के वनिता अपार्टमेंट के बाजू में रास्ते पर लक्ष्मी नगर में आरोपी सूर्यकांत ने ईशिका का पीछा करते हुए पहुंचा और अपने पास से चाकू निकालकर उस पर वार करना शुरू कर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पति पत्नी है कि दो साल पहले शादी हुई थी। पति ज़्यादा तंग करता था, मारपीट करता था, उसकी वजह से वो लड़की अपने मायके चली गई थी। 6 महीने से वही रह रही थी। बाद में उसको यहाँ नौरी मुंडा पावभाजी सेंटर में काम मिला, तो 1 महीने से वो लक्ष्मी नगर झोपड़पट्टी में रहती थी। आरोपी उसका पति सूर्यवंशी शाहू, इसने कल फोन करके उससे बात किया तो उसने बताया कि मैं अभी दूसरी शादी कर रही हूँ। बस वही गुस्सा उसने अपने मन में बिठाया और रात में उस पर चाकू से कातिलाना हमला किया। आरोपी अरेस्ट किया है, आगे का तपास जारी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।